मैं मुनीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पोनीशा ब्लाउज डिजाइन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा और इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप ये आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, स्टिचिंग के भी मैंने वीडियो इसमें डाल दिए हैं, तो आप चेक कर लीजिए। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। मैंने मेरी जो साड़ियों के ड्रेसेस बनवाया है उसका कलेक्शन पार्ट फर्स्ट में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो इसका पार्ट सेकेंड भी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको मेरी ड्रेसेस कैसी लगी, या फिर मेरा जो भी ये वीडियो मैं बनाती हूँ वो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट ड्रेस से जो मैंने साड़ी से बनाई है, एक्चुअली मुझे साड़ियों की ड्रेस बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी साड़ियाँ जो है हम लोग बहुत बार पहन चुके होते हैं, उसका क्या करें वो समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हम साड़ीज की कुर्ती, ड्रेस या वन पीस कुछ भी स्टिच करा सकते हैं अपने आइडिया से। तो मैंने अपने आइडिया से कुछ ड्रेसेस स्टिच किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा जो है ये रेड कलर का साड़ी था, इसमें बॉर्डर बनी हुई थी, मैंने इसकी बॉर्डर निकाल दी है। और इसका मैंने बनाया है बोटनेक कुर्ती, जो जिसकी जो फ्रंट स्लीट इसमें मैंने इसको ओपन दिया है। तो इसको मैंने पूरी कुर्ती में अस्तर नहीं लगाया है। एक्चुअली एक साड़ी में मैंने दो कुर्तीज बनाई है, एक मेरी छोटी वाली बहन के लिए और एक ही मेरे लिए। तो मैंने इसमें बोटनेक बनाया है, बोटनेक बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे, आपको भी लगता होगा तो आप जरूर ट्राई करिए। इसमें जो है वो नेक मैंने ज्यादा डीप नहीं रखा है और ये 14 इंच तक मैंने इसका लेंथ रखा है। और नीचे इसमें मैंने सिर्फ चुन्नट दी है, लंबाई काफी अच्छी है। इसके नीचे आप जींस, प्लाजो पैंट, लूज प्लाजो पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। इसमें मैंने फ्रंट में ये स्लिट रखा है ओपन, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसका जो है आप एक साइड में भी रख सकते हैं, मिडल में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसका जो है लेफ्ट साइड में स्लीट इसका ओपन रखा है। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ती बोल सकते हो आप इसे। मैंने इसमें एक साड़ी में दो कुर्तीज बनाई है, बॉर्डर इसमें मैंने अटैच नहीं किया है और कपड़े के अकॉर्डिंग मैंने इसका ये कुर्ती बनाती, ज्यादा अच्छा लगता इसके लिए मैंने इसका ये कुर्ती बनाया है। इसका जो पिक है मैं साइड में लगा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए ये कैसे लगे, लेकिन पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है तो आप जरूर ट्राई करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की ओर। नेक्स्ट जो ड्रेस है मेरा ये है, ये ब्लू कलर का साड़ी था, ये साड़ी मेरे मम्मी का है। तो वो ये साड़ी नहीं पहनते थे, एक्चुअली साड़ी इतना खास नहीं लगता था, बहुत फूलने वाला साड़ी था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ ऐसा बनाया जाए जो डेली भी यूज हो, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका नी लेंथ तक फ्रॉक बनाया है, सिंपल मैंने इसमें स्क्वायर नेक दिया है, आगे पीछे से जिप लगाई है और ये बांधने वाला जो फ्रॉक बेबी फ्रॉक जैसे होता है, छोटी बच्ची वाला लुक मैंने इसमें दिया है। तो ये काफी हद तक सुंदर लगता है, आप इसको जैसे टाई करते हो तो बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। पीछे मैंने इसको जिप दी है और जो भी पल्ला बचा था, पल्ले का जो पोर्शन था, तो उसके मैंने ये पफ स्लीव्स बनाई है, चुन्नट वाले स्लीव्स बनाए हैं। यहाँ पर इलास्टिक दिया है तो इसका पहनने के बाद लुक बहुत ही सुंदर लगता है। सामने जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने इसको चुन्नट दी है और यहाँ पर मैंने एक पॉकेट अटैच किया है। अगर आपको मोबाइल वगैरह कैरी करना है तो आप इसमें कर सकते हो, मैंने इसमें एक ही पॉकेट अटैच किया है, आप दोनों तरफ भी अटैच कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ये ड्रेस बनी थी। सेम अगेन इसमें भी मैंने एक साड़ी में दो ड्रेसेस बनाए हैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर है वो और मैं शेयर करते हैं या फिर सेम पहनना पसंद करते हैं। तो बहुत ही सुंदर इसका ये ड्रेस बना है, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको मेरी ये वाली ड्रेस कैसे लगी। मेरे नेक्स्ट ड्रेस की जो कि बहुत ही हेवी और भरा हुआ साड़ी था उसका मैंने बनाया है। तो ये है मेरा थर्ड नंबर का ड्रेस। एक्चुअली ये साड़ी बहुत हेवी थी, मैंने बहुत बार इसे पहन चुकी हूँ, 10 साल पुरानी ये साड़ी है। तो इसका मैंने बनाया है प्लाजो सेट और इसके नीचे मैंने प्लाजो पैंट बनाया है और ये ऑरेंज कलर का साड़ी है। तो बहुत ही खूबसूरत इसका ड्रेस रेडी हुआ है। इसमें मैंने जैसे आपको बोला था वो रेड कलर का कुर्ती में मैंने एक साइड से ओपन रखा है, वैसे मैंने इसको दोनों भी साइड से ओपन रखा है। तो ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसकी डिटेलिंग। अगेन सेम मैंने इसको बोटनेक बनाया है,
देखिए वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ, बोट नेक बनाया है और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉप नेक जैसे बनाया है और जो भी ये साड़ी के कटिंग्स बचे थे मैंने इसको यहाँ पर नेक में डिजाइन लगाया है। एल्बो तक इसकी स्लीव्स दिए है और अगेन मैंने जो इसका अस्तर है मैंने इसमें हाफ पोर्शन में ही लगाया है, नीचे जो है मैंने अस्तर नहीं डाला है। और बैक साइड में ऐसे मैंने नेक बनाया है, सबसे सुंदर ड्रेस में जो इसका पार्ट है ये है वो टेसल। टेसल्स मुझे जो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है सबको बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली ये इसका फैब्रिक नहीं है, इसमें से ज्यादा फैब्रिक नहीं बचा था, मैंने इसमें सिर्फ प्लाजो पैंट बनाया था। एक्चुअली ये साड़ी जो है इसमें डाग लग गए थे तो मैंने सोचा अब पहन तो नहीं सकते तो कुछ अलग बना लेते हैं। इसका बॉर्डर जो है मैंने पूरा बॉर्डर इसमें निकाल दिया था और कुछ भी फैब्रिक नहीं बचा था और इसमें जो ब्लू कलर है उसी को यूज करते हुए मैंने ये टेसल बनाया है। तो पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। आगे से मैंने इसको चुन्नट दिए है, चुन्नट देकर यहाँ पर मैंने ये ओपन रखा है दोनों साइड से। और ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये बॉर्डर एक्चुअली दूसरी साड़ी का है तो मैंने ये इसमें यूज कर दिया और वो परफेक्टली मैच भी हो गया। एक्चुअली इसमें पूरा कुंदन वर्क है तो मैंने इसको सुई धागे से मैंने इसको अटैच किया है। तो ये वाला ड्रेस आपको कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसके नीचे मैंने प्लाजो पैंट बनाई है, आप घेर वाला प्लाजो भी पहन सकते हो या फिर आप लेगिंग्स वगैरह भी इसके नीचे। गाइस हमारा फोर्थ नंबर का जो ड्रेस है जो मैंने साड़ी से बनवाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा पिंक कलर का साड़ी था जिससे मैंने वन पीस बनाया है। इसका लेंथ ज्यादा नहीं है बट बहुत ही सुंदर ये लगता है। तो ये भी सेम मैंने साड़ी से ही बनाया है। इसका जो पूरा ये साड़ी प्लेन था, इसमें जो ये ऊपर मैंने चोली में लगाया है ये बॉर्डर था तो मैंने इसका पूरा बॉर्डर हटाकर चोली में लगाया है ताकि कुछ अलग लुक इसका लगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी रेडी हुआ। नीचे मैंने इसको पीको किया है तो बहुत ही सुंदर, जब ये ऐसे फ्लोर पे टच होता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। स्लीव्स मैंने इसमें छोटी ही रखी है, सिंपल बैक और फ्रंट में राउंड नेक रखा है, सिंपल बनाया है बट पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मेरा फोर्थ नंबर वाला ड्रेस था। तो आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे या फिर मेरे आइडियाज कैसे लगे, मेरे ड्रेस कैसे लगे, मेरे ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट ड्रेस है ब्लैक कलर की जिसे भी मैंने साड़ी से बनाया है। बहुत सारे लोगों को या फिर मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको बहुत ही पसंद आया है वो ड्रेस। देखने के बाद मुझे काफ़ी उन ड्रेस की रिक्वेस्ट भी आई है, मैंने बहुत से ड्रेस वैसे बनाए भी है तो वो ड्रेस देख लेते हैं हमारा। तो चलिए मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये है मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस, ये भी मैंने साड़ी से ही बनाया है, पूरा फ्लोर लेंथ है ये, आपको दिख जाएगा वीडियो में। देखिए पूरा फ्लोर लेंथ है और घेर भी काफी अच्छा आया है इसका। एक्चुअली ये मैंने, मुझे ब्लैक कलर का प्लेन साड़ी चाहिए था तो पहले तो मैंने फैब्रिक परचेस किया 6 मीटर, उसमें मैंने ये ब्लैक कलर का साड़ी पहना यूज किया। पहले मैंने इसका साड़ी बनाया फिर उसके बाद जब मैं साड़ी पहन के उग गई तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ अच्छा बना लेते हैं और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ वन पीस बना लेते हैं जो आप पहन सकते हो, पार्टी में भी पहन सकते हो और डेली भी वेयर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे इस ड्रेस के डिटेलिंग की ओर। तो मैंने इसका जो है लेंथ काफ़ी बड़ा रखा है, फ्लोर लेंथ है, इसको मैंने जो है सिंपल आगे पीछे राउंड नेक रखा है। आगे का नेक इस ड्रेस में मैंने डीप रखा है, एक्चुअली मैं डीप नेक नहीं पहनती बट इसके लुक के लिए मैंने सोचा कुछ अलग बना लेते हैं। शोल्डर भी देखिए मैंने बहुत छोटे रखे हैं, 2 इंच के मैंने इसको शोल्डर रखे तो ये नेक बैक और फ्रंट से ब्रॉड भी है और डीप भी है तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। मैंने 14 इंच तक इसका चोली लेंथ रखा है और उसके नीचे मैंने इसको घेरा दिया है, सेम जो है मैंने इसके पहले जो ड्रेस दिखाया उसी के जैसा है बट इसका घेरा काफ़ी बड़ा आया है। और ये जो लेंथ है स्लीव्स का मैंने फुल लॉन्ग रखा है, एक्चुअली ये घेरा ज़्यादा होने के कारण 6 मीटर फैब्रिक भी मुझे कम पड़ गया था तो मुझे यहाँ पर चुन्नट वाला स्लीव चाहिए था बट चुन्नट नहीं हो पाया तो सिंपल जो लेंथ होता है कुछ 23 समथिंग 24 इंचेस इसका लेंथ है
तो ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रेस है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा ये ड्रेस कैसे लगा। इसका पिक भी मैं साइड में लगा दूंगी। बैक साइड से मैंने इसको जिप रखा है, राउंड नेक की है, जिप और हुक अटैच किया है यहाँ पर, और इसमें मैंने डोरी लगाई है। अगेन मुझे टेसल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे वाले छोटे छोटे जो मैंने टेसल्स लगाए हैं तो इसका लुक जो है वो पूरा टेसल्स की वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे मैंने इसमें फ्रंट में मैंने इसको प्रिंसेस कट में रखा है तो फिटिंग बहुत ही सुंदर आती है। इसका पिक मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरे जो भी साड़ियों के ड्रेस है वो कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन तब तक के लिए बाय बाय।